Namaste friends, welcome to Art and Tarot. When we talk about wands, wands stands for energy, enthusiasm, determination. Wand is the very essence of the energy which you need to fulfill or do some work. So in every work, the wand energy is needed for the completion of the work. इज द वेरी मच एनर्जी, वो पूरी एक वॉन्ड एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण जो है आपके सारे काम बनते हैं. तो जिस कार्ड की आज हम बात करने वाले हैं वो इट्स अ कार्ड ऑफ वॉन्ड ओनली. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी आप कार्ड्स देखते हैं उसकी एक जो सीरीज़ आप देखते हैं कि एक के बाद एक जो दूसरा कार्ड आ रहा है, एवरी कार्ड इस अ रिज़ल्ट ऑफ द पास्ट कार्ड. यू नो, एक पास्ट में जो हुआ उसके रिजल्ट में वो वाला कार्ड है. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ सीरीज, इट्स अ काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग कि जब एक कार्ड जो है एक ऐसी पोजिशन पर शो करता है तो उसके पीछे एक हिस्ट्री है, उसके पीछे एक प्रोसेस है जिसके कारण जो है वो कार्ड जो है आज इस पोजिशन में है. लेकिन उससे भी ज़्यादा वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज लिंक को तो देखना, लिंक को अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं. लेकिन लिंक से भी ज़्यादा व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज व्हाट दिस कार्ड इज़ ट्राइंग टू गिव यू अ मैसेज. एंड ईच कार्ड इज़ कम्पीट ऑन टू इट्सेल्फ, उसमें दूसरे कार्ड की इतनी ज़रूरत जो है नहीं है एज कम्पेयर टू. बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज कि आप उस कार्ड को मीनिंग, कि आप उस कार्ड की मीनिंग को समझें कि या कि ये कार्ड आपसे क्या कहना चाह रहा है. तो आज जिस कार्ड की हम बात करने वाले हैं वो है थ्री ऑफ वॉन्ड्स. थ्री ऑफ वॉन्ड्स जो है ये कनेक्टेड है टू ऑफ वॉन्ड्स से. टू ऑफ वॉन्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ. टू ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे आपने एक इन्वेस्टमेंट करी है या फिर एक यात्रा आपकी शुरू करी है या फिर एक आपकी एक प्रोसेस जो आपका शुरू हुआ टू ऑफ वॉन्ड्स से. थ्री ऑफ वॉन्ड्स में वो जाके वो कंप्लीशन शो करता है. इसकी डिटेल में और जाएंगे. व्हाट इज थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कीवर्ड्स में जाएंगे. थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कीवर्ड्स हैं प्रोग्रेस, एक्सपीरियंस, फोरसाइट, ओवरसीज अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, कंप्लीशन एंड पावर. तो जिस तरह से हम इस फिगर को देखते हैं, इसके पीछे दो वॉन्ड हैं और इसके आगे हाथ में एक वॉन्ड है और वो जो है एक हाइट पे खड़ा हुआ है ये फिगर. और हम नीचे देखते हैं एक नदी बह रही है और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तीन बोट्स दिखेंगी, तीन शिप्स दिखेंगी जो कि इस नदी के ऊपर है. तो कार्ड की अब गहरे मीनिंग में उतरते हैं. सबसे पहले तो कार्ड हमें ये शो करता है कि जो प्रोसेस टू ऑफ वॉन्ड्स से शुरू हुआ था वो थ्री ऑफ वॉन्ड्स में जाके ख़त्म हो रहा है. तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स शो करता है कम्प्लीशन ऑफ द प्रोसेस, कम्प्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट विच यू स्टार्टेड. तो इसमें एक तो शो करता है कि दैट इट्स अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, दैट इट गॉट सक्सीडेड. वो सक्सेस जो है वो अगर आप देखेंगे उसने जो है जिस तरह की ड्रेस पहनी हुई है उसमें जो एक लीव्स का एक वो जो सिंबल वो जो शो किया गया है दैट इज़ अ सिंबल ऑफ सक्सेस कि दैट इट गॉट अचीव्ड. और हम तीन वॉन्ड्स जो देखते हैं, जो थ्री का जो प्रिंसिपल है वो थ्री स्टैंड करता है फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्लेन के लिए, जो कि बहुत ऑब्वियस है इसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेल फिगर शो करी गई है तो इट्स अ मैस्कुलिन प्रिंसिपल विच इज़ शोन हेयर. सो मैस्कुलिन प्रिंसिपल इज शोन हेयर विच बेसिकली इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द डिटर्मिनेशन, इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द संकल्प कि जब आप संकल्प करेंगे तो आप जो है इस यात्रा पे निकल पाएंगे और जो आप सोच रहे हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप पा पाएंगे. तो ये तीन का जो सिंबल है फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, इस फिगर में ये शो करता है कि जो उसके जो दो वॉन्ड्स हैं वो उसके पीछे हैं और एक वॉन्ड उसके आगे है. जो दो वॉन्ड जो पीछे हैं
वो स्टैंड करते हैं फिजिकल और मेंटल प्लेन के लिए जो कि इस फिगर ने अचीव कर लिए हैं, और उसके हाथ में जो तीसरा वॉन्ड है वो है स्पिरिचुअल वॉन्ड, एंड इट इज़ गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। जो फिजिकल और मेंटल प्लेन से जो भी उसको मिल सकता था, जो भी उसको अचीव कर सकता था, वो उसने अचीव कर लिया है, और जिसके कारण जो है एक तीसरी जो एक स्थिति बनी है कि उसके लाइफ में एक स्पिरिचुअलिटी का जो है प्रवेश हुआ है। सो दैट थर्ड वॉन्ड एक्चुअली स्टैंड्स फॉर दैट। अब हम अगर नदी को देखें तो नदी में हम देखते हैं कि तीन शिप्स हैं जो शो करती हैं। अब इन तीन शिप्स में से जो भी इसकी शिप है, व्हाट ही हैज लर्नड इज इट इज़ गोइंग टू कम बैक टू हिम। इस आदमी ने क्या सीखा है अपनी लाइफ से कि जो इसका है वो इसके पास वापस आ जाएगा। तो जिस तरह से वो इन शिप्स को देख रहा है, ही इज़ वेरी रिलैक्स, उसको पता है कि क्या उसका है और उसको क्या मिलने वाला है, तो उसको इस बात की चिंता नहीं है। तो आप देखें वो जिस तरह से उसने हाथ में, जिस तरह से वो बहुत आराम से वो एक वॉन्ड जो है लेके वो खड़ा हुआ, वो इट सिंपली शोज लाइक ही नोज अबाउट हिज पावर, ही नोज यू नो लाइक वॉट ही कैन डू। एंड सो वॉन्ड स्टैंड्स फॉर एनर्जी एंड पावर, एंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन, एम्बिशन, ऑल दिस एंड ऑल्सो इंट्यूशन, ऑल दिस इज अचीव्ड इन दिस स्टेज। थ्री ऑफ वॉन्ड्स जो है वो जब भी आता है वो आपको एक और पॉसिबिलिटी शो करता है कि दैट देर इज़ अ कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैवल, देर कुड बी अ एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस, देर इज़ अ काइंड ऑफ फ्लो विच इज शोन इन द कार्ड, एंड रिवर इज़ वन सिम्बल विच इज शोन हेयर इन द कार्ड इज दैट एवरीथिंग इज फ्लोइंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लो थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग वेरी नेचुरली, वेरी कम्फर्टेबली। क्योंकि अगर आप इस कार्ड की एनर्जी को देखेंगे तो एनर्जी कुछ ऐसी है कि इट्स लाइक वेरी स्मूथ, रिलैक्स, नाइस, काम, यू नो काइंड ऑफ हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी हैज़ बीन क्रिएटेड है। इट्स ऑल्सो एनर्जी की भी, जैसे कि आप शाम के समय जो है आप सूर्यास्त को देखते हो और एक बहुत ही एक काम और एक रिलैक्स फीलिंग जो है आपको जो है उस वक्त आती है। उसके उस वक्त जो है अगर आपके हाथ में जो है कुछ भी है, अगर आपने आपके हाथ में ये वाली वॉन्ड है या फिर आपने किसी चीज़ का सहारा लिया हुआ है, सडनली यू फील लाइक काइंड ऑफ रिलैक्स, यू हैव अटेंड अ काइंड ऑफ अ पोजिशन इन योर लाइफ दैट यू आर देयर, एंड दैट्स अ पोजिशन विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। दैट्स ऑल्सो पोजिशन वेयर यू फील यू नो लाइक यू डोंट नीड एनीथिंग एनी मोर, वट एवर यू वॉन्टेड यू हैव अचीव्ड, यू हैव गॉट देयर इन लाइफ। सो दैट इज one very beautiful thing which is shown in this three of wands. This card encourages you to dream big. It actually tells you that you can actually achieve anything, whatever you want. So don't stop at the moment. I mean, I'm not telling you to be greedy, but I'm just telling you that right now it's such a beautiful moment that whatever you will ask, it shall be given to you. सो इस कार्ड का आपकी रीडिंग में आना जो है बहुत पॉजिटिव है। वो हमें यही इशारा करता है कि इस वक्त जो है आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी जो आपके अंदर क्रिएट हो गई है, इस पॉजिटिव एनर्जी के कारण जो है आप जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे अपनी लाइफ में उसका रिजल्ट जो है अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ विजन। अगर आप देखते हैं लाइक ही इज़ लाइक स्टैंडिंग ऑन अ फुट हिल एंड ही कैन सी लाइक लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, तो वो आने वाली मुसीबत को भी देख सकता है, आने वाले सक्सेस को भी देख सकता है, आने वाली अपॉर्चुनिटी को भी देख सकता है। सो ही इज़ एट अ वेरी सेफ पोजिशन फॉर नाउ। दिस इज़ वॉट इज़ शोन टू यू दैट यू आर राइट नाउ एट अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेज इन योर लाइफ वेर यू कैन फोरसी थिंग्स यू नो अराउंड यू, कि आप चारों डायरेक्शन में देख सकते हैं अपनी लाइफ के कि आपके लिए कौन सी डायरेक्शन जो है बेस्ट है। और अगर आपकी तरफ कोई मुसीबत आ रही है, अगर आपकी तरफ कोई जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको दूर से ही देखते हुए उसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्योंकि इस फार विजन के कारण जो है आप जो है अपनी लाइफ को अच्छे से प्लान भी कर सकते हैं। सो मोटा मोटा जो कार्ड का जो मीनिंग है वो बहुत सिंपल है। कार्ड जब भी ये कार्ड आपकी रीडिंग में आए तो आपको जो है वो ये आपको वो ये मैसेज दे रहा है कि दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम फॉर यू, जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एन्जॉय दिस टाइम। और जो आपको चाहिए, जो भी आपने मांगा था, जो आपने
टू ऑफ वॉन्ट से शुरू करा था, जो आपने पुराना प्रोजेक्ट जो आपने शुरू करा था, जो एक पुरानी एक जो यात्रा जो शुरू करी थी, वहाँ पे जो है सक्सेस के रिजल्ट शो करे हैं, वहाँ पे शो करा है कि आपने जो चाहा था वो आपको मिल गया है। दिस इज वॉट इज एक्चुअली शोन इन थ्री ऑफ वॉन्ट्स। और जाते जाते मैं आपको जो है इस कार्ड से रिलेटेड थोड़ा सा आपको कुछ गहरा बताना चाहूँगा कि ये जब भी मैं ये कार्ड देखता हूँ, मुझे एक जो है एक बुक की याद आती है जो कि हर्मन हेस ने लिखी है, और किताब का नाम है सिद्धार्था। उस किताब के अंदर जो है सिद्धार्थ ने अपनी लाइफ जो है जिस तरह से शुरू करी, उन्होंने घर छोड़ा और अपनी लाइफ को बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से गुजारा, और वो एक ऐसे स्टेज में आ गए कि जहाँ पे वो सेटल हो गए। जो सिद्धार्थ की जो स्टोरी है वो इंस्पायर्ड है बुद्ध के जीवन से, और एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल वे से इसको लिखा गया है। मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि वो ये किताब ज़रूर पढ़े। इस किताब को पढ़ के जो है आपको जो एक रिलैक्सेशन महसूस होगी, एक आपको जो विजडम जो आपकी लाइफ में आएगी, दैट इज़ इनकम्पेरेबल। सो इस बुक के अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है जब सिद्धार्थ जो है वो एक नदी का माझी बन जाता है, और वो ये कहता है कि उसने जो भी सीखा वो नदी से सीखा। क्योंकि अगर आप देखते हो इस कार्ड के अंदर कि ये जो आदमी है वो लगातार जो है इस रिवर को देख रहा है, एंड वॉट आई फील इज़ लाइक ही इज़ लर्निंग अ लॉट आउट ऑफ इट। और मैं आपको वो कोट बताना चाहूँगा जो कि इस बुक के अंदर लिखा हुआ है बहुत ब्यूटिफुली इस रिवर से रिलेटेड। लेट मी रीड दैट कोट फॉर यू। आई एम ओनली अ फेरीमैन एंड इट इज़ माई टास्क टू टेक पीपल अक्रॉस दिस रिवर। आई हैव टेकन थाउजेंड्स ऑफ पीपल अक्रॉस एंड टू ऑल ऑफ देम माई रिवर हैज़ बीन नथिंग बट अ हिंड्रेंस ऑन देयर जर्नी। दे हैव ट्रैवल्ड फॉर मनी एंड बिजनेस टू वेडिंग्स एंड ऑन पिलग्रमेजेस। द रिवर has been in their way and the ferryman was there to take them quickly across the obstacle. However, amongst the thousands there have been a few, four or five, to whom the river was not an obstacle. They have heard its voice and listened to it, and the river has become holy to them, as it has to me. Have you also learned that secret from the river, that there is no such thing as time, that the river is everywhere at the same time, at the source and at the mouth, at the waterfall, at the ferry, at the current, in the ocean and in the mountains, everywhere, and that present only exists for it. Not the shadow of the past, nor the shadow of the future. So these are some beautiful lines from the book by Hermann Hesse, and the name of book is Siddhartha. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपको अपने नए वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।